राजधानी दिल्ली समेत उत्तर पश्चिम भारत के एक बड़े इलाके में मानसून ने दस्तक दे दी है तापमान में जबरदस्त गिरावट आई है यानी जो 24 घंटे पहले तापमान इकतालीस डिग्री सेल्सियस के आसपास थे अब 15 डिग्री सेल्सियस की गिरावट के साथ जबरदस्त तरीके से बारिश के बीच में लोगों को कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं राहत दे रहे हैं आखिरकार ऐसा क्यों हुआ किस वजह से हुआ इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जाने माने मौसम वैज्ञानिक जेना मनी जी हैं आइए उनसे बात करते हैं जेना मनी जी अगर इस बार के मानसून की बात करें तो पिछले कई सालों में और इस साल के मानसून में क्या फर्क है नहीं देखिए जो एडवांस फेज है पर्टिकुलरली आज का जो एरिया हम लोग कवर किया बहुत ज्यादा एरिया था इफ इसी की जो जो हमारा उत्तर प्रदेश का इलाका है पर्टिकुलरली और चाहे पंजाब हरियाणा हो मेनली दिल्ली मतलब जो गर, गरम गर्म था जो तापमान सात आठ आड, आठ दिन तक जो फोर्टी प्लस था ह्यूमिडिटी था तो बहुत सारा का जो एकदम से आया और कूल डाउन किया कल चालीस एक चल था आज पच्चीस या अट्ठाइस चल रहा है तो एक तो आम आदमी को इमीडिएटली रिलीफ मिला आराम से यू नो सांस ले सकते हैं आराम से दे डू देर रेगुलर एक्टिविटी नंबर वन हाँ जरूर रेन का इम्पैक्ट अभी शुरू होगा क्योंकि एक साइड से आप तापमान था अभी रेन के साइड में एकदम वो एक बहुत तो अच्छा अंग रखता है और हमारा जो प्रडिक्शन था कि पूर्व चल रहा है तो लास्ट ईयर जो थोड़ा कन्फ्यूजन था वो इस साल ऐसे नहीं है इस साल जो हम प्रिडिक्ट किया था अकॉर्डिंगली हैवी रेनफॉल आया ओके और वो बारिश का अगर माप देखेंगे तीन घंटे में जो सफदरजंग है और हमारा इधर जो लोधी रोड एरिया है हेवी रेनफॉल होगा 74 से 64 फोर मिलीमीटर जस्ट तीन घंटे में और बाकी जो स्टेशन है वहाँ भी मॉडरेट रेन आ रहा है ऑलमोस्ट ऑल स्टेशन आज रेन और चंडीगढ़ से लेकर के आप नीचे जहाँ जाइए अप टू दिल्ली करनल और रोहताक रेन हो रहा है और उसके साथ साथ हमारा जो राजस्थान का इलाका है टोंक है सिक्कर है रेन है जयपुर है रेन है ये मतलब मानसून और आज मैंने जैसे देखा है कि मानसून का जो क्लाउड है जैसे आप देखेंगे हिस्टोरिकली ऑल्सो मेघमला जो काव्य है उसमें लिखा है कि मानसून क्लाउड का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है ऐसे ही होता है आप ये दो दो प्रकार का क्लाउड होता है जैसे ठंडस में आप देखते हैं कभी कभी बारिश होता है महीना में दो महीना में लेकिन ये जो बारिश है ये पासिंग सवार बोलते हैं मतलब एकदम से प्यारा सा आता है स्टार्टिंग क्लाउड लो और मीडियम क्लाउड और रेन देता रहता है दिन भर अभी सुबह चार बजे शुरू हुआ अभी तक खत्म नहीं हुआ तो ये बारिश अभी तक भी मतलब एक्टिव है और अभी ये कंटिन्यू करेगा और शाम को थोड़ा रिड्यूस होगा फिर कल सुबह फिर होगा यानी तीस जून एंड वन जुलाई जो रेन है ज़्यादा होगा उसके बाद दो जुलाई ऑनवर्ड ये जो पार्ट है रिड्यूस होगा पंजाब हरियाणा दिल्ली उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश नेक्स्ट थर्टी सिक्स आवर मानसून एक्टिव रहेगा और उसके बाद रिड्यूस होने के बाद फिर पाँच छः जुलाई को फिर बढ़ेगा फिर नया स्पेल शुरू होगा यही तो मानसून है एक बार आ गया तो थोड़ा कम होगा फिर शुरू होगा दूसरा स्पेल सर अगर हम अगले 24 से 48 घंटे की बात करें तो क्या कहीं कहीं के लिए चेतावनी भी है हाँ हम लोग ऑरेंज वार्निंग जैसे दिल्ली में आज हैवी रेन हो गया क्योंकि दिल्ली का जो इम्पैक्ट है वो अलग होता है बिहार का इम्पैक्ट से दिल्ली में तो मेनली होता है इनउंडेशन कहीं अगर लो लाइंग एरिया है ड्रेनेज सिस्टम पानी का कोई प्रॉब्लम है तो पानी जम जाता है आप देखेंगे तो आज ऑलरेडी रिपोर्ट आ रहा है जो हैवी रेनफॉल का जैसे ट्रैफिक बहुत लंबा होता है लोगों को तो ये सब देखना पड़ता है और डिटेल हम लोग इम्पैक्ट भी दे रहे हैं शुरू कर दिया और जो लाइटनिंग का जो है वो राजस्थान वगैरह में होता है जो गाँव में है जैसे बिहार मैंने बताया बिहार में भी एक्टिव मानसून चल रहा है बिहार झारखंड उत्तर प्रदेश में पूरा उत्तर प्रदेश हर डिस्ट्रिक्ट में बारिश चल रहा है वहाँ भी थोड़ा लाइटनिंग का प्रॉब्लम होता है और जहाँ जहाँ ये पास वाला बिल्डिंग है यहाँ तो लाइटनिंग का इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है क्योंकि ग्राउंड चार्जिंग के लिए मिल जाता है इनको जो भी लाइटनिंग होता है आपका हाइट ज़्यादा हाइट वाला बिल्डिंग है वो यहाँ लोग नहीं मरते लेकिन गाँवों में मरते हैं यही है इसकी जो इम्पैक्ट रहता है और हम लोग ऑरेंज कलर दिया है दिल्ली पंजाब हरियाणा नेक्स्ट ट्वेंटी फोर आवर्स के लिए सर अमरनाथ यात्रा भी शुरू हो गई है अमरनाथ यात्रा के लिए क्या कोई चेतावनी है नहीं देखिए जो आपको मालूम होगा कि कश्मीर का जो जामू पार्ट है वहाँ ज़्यादा रेन हो रहा है वो अपर पार्ट में ज़्यादा रेन नहीं है उत्तराखंड हिमाचल इस साइड में जो ईस्टर्न पूर्व साइड में हैवी रेन हो रहा है वहाँ मना है वहाँ हमारा ऑरेंज कलर है जैसे चार धाम यात्रा है जैसे केदारनाथ है वहाँ के लिए रेस्ट्रिक्शन ऑलरेडी है क्योंकि ऑरेंज कलर चल रहा है कल से बट हायर के लिए तो वो तो बहुत ज़्यादा वार्निंग जा रहा है बट लोअर पार्ट जो है जैसे शेषनाग यहाँ थोड़ा थोड़ा बारिश है बट ऐसे कोई चेतावनी नहीं है ठीक है राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में अगले कुछ दिनों में किस तरीके की बारिश हाँ, होने जा रही है का सभी को ये मैं बोलना चाहता हूँ कि जो राजस्थान का इलाका है तो कुछ दक्षिण पश्चिम राजस्थान में जरूर मानसून पहुँचा नहीं लेकिन जो पूर्वी भाग है वो कवर हुआ है और बारिश चालू है और पंजाब का जैसे नीचे का इलाका जो है जैसे गुरदासपुर है या अमृतसर है वो अभी शुरू होगा वहाँ मानसून नहीं पहुँचा है तो ये सब हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं और पहुंच जाएगा नेक्स्ट फोर्टी एट आवर्स में सर एक मध्य प्रदेश के लिए भी हम जानना चाह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में किस तरीके का मानसून रहने जा रहा है देखिए मध्य प्रदेश में आज बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है अभी जस्ट एक, एक रिपोर्ट आया है कि हंड्रेड मिलीमीटर mm हो गया तो हम लोग उसको रेड कलर कर रहे हैं पर्टिकुलरली जो ग्वालियर का आसपास इलाका है उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश हम लोग वो सब डिवीजन में बहुत ज़्यादा बारिश प्रेडिक्ट कर रहे हैं इसलिए वहाँ सभी एडवाइजरी है कि वहाँ लोग टाइम टू टाइम आपका जो चैनल है वो देखें और अपडेट ले और जैसे शाम को हमारा रेनफॉल वैल्यू आएगा हम डालेंगे आपको व्हाट्सअप में ठीक है थैंक यू सर एक आखिरी सवाल है अगर हम जिस इलाके की बात करें तो वो इलाका चंबल का हम कह सकते हैं इलाका है जो चंबल नदी में पानी जाता है केन बेतवा में पानी जाता है इसका सीधा सा मतलब है यमुना और गंगा उफान पे आएंगी इस इसको लेकर तो अब ये देखिए ये तो पहला स्पेल है इसमें पहले जो ग्राउंड वाटर है वो या अपर साइल है वो थोड़ा सोच लेगा या थोड़ा शोक करेगा फिर टाइम के साथ फिर रेंज सेकेंड स्पेल मैंने बताया फाइव टू सेवन आएगा उसमें ज्यादा आएगा फ्लोर इंपैक्ट थैंक यू आपका ढेर सारा धन्यवाद तो यहाँ पर आप समझिए कि मानसून इस समय जबरदस्त स्थिति में है यहाँ पर हम आपको बारिश भी दिखा रहे हैं और ये मौसम विभाग की बारिश है मैं कहूँगा कैमरामैन को कि वो इधर आए और दिखाएं कि किस तरीके की बारिश यहाँ पर मौसम भवन में चल रही है और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो स्पेल है ये 24 से बहत्तर घंटे के दौरान कई इलाकों में झमाझम जम बारिश देगा और ये बारिश जिसकी हम बात कर रहे हैं ये आने वाले दिनों में और ज़्यादा इंटेंस होगी क्योंकि मौसम विभाग का कहना है कि पाँच जुलाई के बाद एक और स्पेल आने जा रहा है जो ज़ोरदार होगा जबरदस्त होगा क्योंकि दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो हैवी रेन हुई है कई इलाकों में हैवी रेन हुई है और जल भराव की जो तस्वीरें हैं वो आप देख रहे होंगे तो मानसून आया और ज़बरदस्त तरीके से झूम कर आया है यहाँ पर एक बार फिर से मैं कहूँगा कि ऊपर दिखाइए किस तरीके से आसमान नज़र आ रहा है हालांकि आपको लग रहा होगा कि भूरे भूरे कलर के जो है बादल हैं एक जैसे नजर आ रहे हैं लेकिन ये बारिश कहीं ना कहीं राहत देने वाली है और इस बार के लिए अगर हम बात करते हैं तो मानसून को लेकर मौसम विभाग की भविष्यवाणी है कि इस बार सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी और ऐसी स्थितियां दिख रही हैं क्योंकि जुलाई की जो शुरुआत होगी वो निश्चित तौर पर उत्तर पश्चिम भारत से लेकर मध्य भारत की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में जबरदस्त बारिश हो रही है और इसी तरीके की स्थिति अगर हम देखें तो वेस्टर्न घाट के इलाकों में चाहे वो मुंबई हो या गोवा हो या दूसरे इलाके हैं उन सभी जगहों पर जबरदस्त बारिश का सिलसिला अभी जुलाई में भी देखा जाएगा कैमरामैन हीरा मंडल के साथ सिद्धार्थ न्यूज स्टेशन दिल्ली